हेलो वांगक्षियान एंड शियांग वांगला बस। तो सबसे पहले हैप्पी 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 माय लव माय स्वीट हार्ट मिस्टर लान फांग इबो उफ द एक्टर हु प्लेड हिज रोल मिस्टर वांग इबो। सो हैप्पी बर्थडे एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आपके 22nd बर्थडे के लिए। हालांकि मुझे पता है ये मैसेज वो कभी जीवन में नहीं सुनेंगे बट आप लोग तो सुन रहे हो ना। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था एंड ये रहा कमेंट कि वो चाहती है कि मैं बर्थडे सरप्राइज दूँ। सो ये ही है बर्थडे सरप्राइज़। हालांकि बर्थडे सरप्राइज़ में कुछ न्यू होता है बट ज़रूरी नहीं होता ना कि हमेशा न्यू हो। अंत करने के बाद ही तो नया बिगनिंग होता है ना, राइट। सो आज ये लास्ट पार्ट के साथ मैं आप सभी को आप सबके बर्थडे मतलब पांगी वो के बर्थडे का सरप्राइज़ दे रही हूँ। एंड रही बात श्यांग वांग लवर्स की, तो इस वीडियो को अपलोड होते ही उन्हें भी उनका सरप्राइज़ मिल जाएगा। ओके सो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है। आई होप कि आप लोग बहुत बहुत हैप्पी होंगे। एंड हाँ प्लीज़ 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 इस FF के साथ साथ आप बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हो वांगीबो के बर्थडे के लिए एंड आप तो कितने हैप्पी हो। एंड प्लीज़ इस FF के बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं क्योंकि ये इसका लास्ट पार्ट है। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके एंड तो चलिए जल्दी जल्दी हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक घर जिसमें पूरी तरीके से आग लगी हुई थी, पूरा घर जल रहा था, वहाँ बड़े बड़े धुएँ निकल रहे थे, पूरी जगह जल रही थी, एकदम जैसी लग रही थी कि अब अगर इसके अंदर कोई होगा तो वो इंसान कभी जीवन में बच नहीं सकता है। एंड ये सब कुछ वहाँ खड़े काफ़ी सारे लोग देख रहे थे, वो सभी नीचे से ये सब कुछ देख रहे थे कि वहाँ पर कुछ जल रहा है, धुआं उठ रहा है, इसीलिए वो सभी लोग वहाँ दौड़ कर जाते हैं। हाँ ये वही हाउस था जहाँ पर हमारे विंग रहता है एंड वो अभी हाउस फुल फायर में लगा हुआ है। वहाँ सिर्फ सब जगह अफरा तफरी हुई है, लोग नीचे से पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस घर को आग में जो लगा है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। एंड तभी वहाँ पर कुछ नहीं बहुत सारी कार्स पूरी फुल स्पीड से आकर रुकती हैं वहाँ पर और वहाँ से बहुत सारे पर्सन्स बाहर निकलते हैं। और तब वहाँ पर एक अल्फा के ग्रॉल की आवाज़ सुनाई देती है, ये क्या हो रहा है। गुस्से में वो चीखते हुए वहाँ आता है, वो देखता है कि बहुत सारे लोग खड़े होकर बस देख रहे हैं। वांगजी गुस्से में कहता है आप लोग खड़े होकर देख क्या रहे हो, उस आग को बुझाइए। अदब वो सभी पर्सन जो वांगजी को नहीं जानते थे वो उसे देख रहे थे। वो सूट बूट पहने एक रिच पर्सन दिख रहा था, तो वो गांव वाले में एक ओल्ड अंकल कहते हैं बेटा ये घर जल चुका है और यहाँ आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं है, पानी नीचे से लाना होगा और इतना समय नहीं है हमारे पास और वैसे भी ये घर तो जल चुका है, अगर इसमें कोई रह भी रहा है तो वो बचेगा नहीं। इस देखो पूरा घर जल रहा है और अब तुम्हें लगता है इस घर में जो रह रहा होगा वो बचा होगा। हाँ ये घर तो वैसे भी बहुत पुराना है, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है, इसके जो ओनर्स थे उनकी डेथ तो बहुत पहले हो गई थी और उसका बेटा तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। वांग जी गुस्से में कहता है कि आपको नहीं पता वो लोग वापस आ चुके हैं। क्या क्या विंग वापस आ गया है, उसमें से ओल्ड पर्सन ही कहता है। मतलब वांग जी कहते हैं हाँ वो वापस आ गया और वो यहीं रह रहा है, मुझे पता है। विंग वांग जी चीख रहा था और वो तुरंत ही उस घर में एंटर करने की कोशिश करता है बट तुरंत ही वो गांव वाले और उसके बॉडीगार्ड्स खुद भी वांग जी के उसे रोकते हैं। सिचन आता है, भाई रुकिए क्या कर रहे हैं। मतलब वांग जी कहता सिचन देखो इसमें आग लगी है, तुम समझ रहे हो अगर इसमें अंदर विंग हुआ युआन हुआ या ग्रैंड हुआ तो तुम समझ रहे हो क्या हो सकता है इसमें। और तब सिचन कहते हैं कह आपको लगता है इसमें कुछ बचा होगा, ये पूरा बिल्डिंग ऑलरेडी जल चुका है अब बस ये सब मलबा है जो कुछ समय बाद वो भी गिर जाएगा, आपको लग रहा है इसके अंदर कोई बचा होगा। सिचन क्या बकवास कर रहे हो, विंग को कुछ भी नहीं हो सकता है। ग कही तो हमें ढूंढना होगा, क्या पता वो लोग यहाँ ना हो। और तब पीछे से एक आवाज़ आती है, कुछ बॉडीगार्ड्स दौड़ कर वांग जी के पास आते हो। तब वांग जी के पास आते हुए कहते सर 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 हमें यंग मास्टर और ग्रैंडमा मिल गई हैं। वांग जी हैरान होते हुए उनकी बात सुनता है और तुरंत ही वो वहाँ से भागता है। वहाँ पीछे देखता है जहाँ पर शुमा उस बच्चे को हाथ में लेकर एक पेड़ से टिक कर देख रही थी उसी घर को और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रहे थे, वो बस शुद्ध बेसुद होकर
वो बस देख रही थी कि कैसे वो घर जल रहा है, कैसे कितनी बुरी तरीके से उस घर में आग लगी हुई है और उस घर में क्या है उसे नहीं पता है। और तब वांगजी तुरंत ही उनके सामने आता है, कहते हैं सुषमा सुषमा विंखा है हाँ आप यौन तो ठीक हो ना। वो सुषमा को चेक करता है, सुषमा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो आँख उठाकर वांगजी की तरफ देखती है और तब खींच कर एक थप्पड़ वांगजी को देते हैं। वांगजी हैरान होकर अपनी सुषमा की तरफ देख रहा था। वो कहती है, सुषमा कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने गिर जाओगे वांगजी, हाँ तुम्हें देख लो आज तुम्हारे सेल्फिश बिहेवियर की वजह से आज विंग ने अपनी जान दे दी। देख लो तुम्हारे उस बदला लेने की आग में आज विंग जल चुका है। तुम्हें अपने पेरेंट्स का बदला लेना था ना, लो मैं मना नहीं कर रही थी तुम्हें लेने से, पर देखो तुम्हारे इस बदला लेने की एटीट्यूड की वजह से तुम्हारा ओमेगा जल कर मर चुका है। उसी के अंदर विंग था और मर चुका है वो। खुश हो गए तुम, हाँ मिल गया तुम्हें खुशी, मिल गया तुम्हारा बदला, पूरा हो गया ना तुम्हारा बदला, चलो कुछ लो। वो युवान को वांगजी के हाथ में दे देती है। वांगजी जो पूरा ट्रम्बल कर रहा था और जब सुषमा ये बात कंफर्म करती कि हाँ विंग उसी में था तो वो और भी ज़्यादा कांपने लगता है। विंग ये सोच सोचती कि विंग उस घर में है, वांगजी का हालत ख़राब हो चुकी थी। वो अपने हाथ में युवान को पकड़ता है। युवांग जो रो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ बहुत शोर शराबा था और मुझे आग जलने की जो हीट थी वो उसे फील हो रही थी क्योंकि वो बच्चा है छोटा सा। और तब वांगजी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता सुषमा। और सुषमा हंसते हुए कहती है नहीं हो सकता, तुम्हारे सामने हुआ है वांगजी और तुम कुछ नहीं कर पाए। मैंने तुमसे कहा था बदले की आग में तुम जलोगे, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी खुशियाँ जल जाएंगी। और हो गई, जल गई तुम्हारी हर एक खुशियाँ, देख लो जल गया विंग और ख़त्म हो गया। मैंने उस कहा था उसे कि तुमसे दूर रहे, मैंने कहा था कि तुम नहीं डिज़र्व करते हैं, नहीं डिज़र्व करते तुम उसे और वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता। देखो आज वही हुआ, आज उस बेचारे की बच्चे की जान चली गई। कितने साल का था ही वो, 17 का होने वाला था और तुमने उससे पहले उसकी जान ले ली। बहुत खूब वांगजी पहुँचा दिया तुमने उसके पेरेंट्स के पास उसे, वही चाहता था वो कि वो भी मर जाए ताकि उसके पेरेंट्स के पास वो चला जाए। और देखो तुमने खुद उसे पहुँचा दिया, गुड सब पास। और वैसे कहकर वांगजी के सामने क्लैप करने लगती है। वांगजी झटके से अपने घुटनों पर आ जाता है, वो युवान को हक कर लेता है, वो पकड़ कर उसे रोने लगता है। युवान जो खुद भी रो रहा था बट जब वो उस पर्सन को देखता है जो रो रहा था, वो युवान चुप होकर उसकी तरफ देखने लगता है। युवान देख रहा था कि कैसे उस पर्सन के आंसू रुक रहे हैं। युवान अपने छोटे छोटे हाथों से उस आंसू को मानो पोंछता है। और युवान की तरफ जब वांगजी देखता है तो युवान एक स्माइल करता है और युवान उसके गले में कुछ था, युवान उसे दिखाता है। वांगजी समझ नहीं पाता कि वो क्या है। युवान दिखाता है कि वहाँ पर एक पतला सा चीन था। वांगजी जब उसे देखता है तो उसमें एक विंग की फ़ोटो थी। युवान स्माइल कर रहा था। वांगजी रोने लगता है ये देखकर और वो कहता है युवान युवान मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो युवान, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ, मुझे उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए, वो मुझे छोड़ के कभी यहाँ नहीं आता। अगर मैं उसे एक बार बता देता कि आखिर बात किया तो वो मुझे कभी छोड़ कर नहीं आता, वो कभी तुम्हें छोड़ कर यहाँ नहीं लाता और इस तरीके से एटलीस्ट अपनी जान नहीं देता। वो मुझसे नफरत करता, मैं उसकी नफरत सह लेता, पर अब युवान कैसे सहूँ मैं। हाँ देखो देखो सब कुछ मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारे बाबा ने सब कुछ खराब कर दिया। युवान तुम भी अपने बाबा की तरह हो गए, अनाथ हो गए तुम युवान, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया युवान, तो तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए ना, तो तुम ऐसा स्माइल क्यों कर। हाँ युवान को लेकर वांगजी बहुत रो रहा था। सब समझ जाते कि वांगजी की कंडीशन अच्छी नहीं है बट कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। सिचैन वांगजी के पास आ जाए, कहते भाई चलिए यहाँ से, अब हमें शौजी की आखिरी निशानी को संभाल कर रख रहा है, हमें उसे बहुत प्यार देना है, वो यही चाहते थे कि हम लोग हैप्पी रहे और अब हम कुछ नहीं कर सकते। वांगजी सिचैन की तरफ देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। सिचैन की तरफ वांगजी देखते हुए कहता है सिचैन तुम सुषमा को लेकर जाओ, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ, इसी गांव में रहना चाहता हूँ जहाँ पर विंग बड़ा हुआ है, विंग की यादें हैं यहाँ पर, मैं उसके बच्चे को उसका एहसास दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवान अपनी मदर का एहसास अपने पास रख ले, संभाल ले, मैं कुछ दिन यही रहना चाहता हूँ। सिचैन तो सिचैन कहते हैं ठीक है बुआ आपको यहीं रहना है तो हम भी यहीं रहेंगे।
वो अपनी गार्ड्स की तरफ देखते हैं और तब गार्ड्स कहते हैं यस सर, और वो तुरंत ही एक अप्रोप्रिएट जगह देखकर बहुत सारे कैंप्स लगाने लगते हैं। और तब वांगची कहता है सिजन, मैं शिवन को लेकर अभी थोड़ा देर बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा सांस लेना। पिंक कहता है ठीक है भाई, बट ध्यान रखिएगा, उससे दूर दूर मत जाइएगा और अपने फ़ोन को ऑन रखिएगा। वांगची नोट करता है और तब वो युवान को लेकर उसी घर के पीछे साइड में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो पहाड़ पर था तो वो उसके आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर जहाँ पर पहाड़ में और ज़्यादा ऊँचाई थी, वो वहाँ जाना चाहता था। थोड़ा सा खुला एयर चाहिए था उसे, फ्रेश एयर, उसे शायद उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो अभी खुद को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसे उसे अकेले पूरा करना है। युवान की तरफ वांगची देख रहा था, उसके चेहरे पे अलग एक्सप्रेशन था, उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। वो युवान को लेकर टॉप क्लिफ पर एकदम बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, वांगची उसी पर बैठ जाता है। वो युवान को अपने हाथ में लिया हुआ था, अपने बाहों में लिया था। वो युवान को देख रहा था कि कैसे युवान उसकी शर्ट को पकड़ा है, स्माइल कर रहा है। वांगची कहता है कि तुम्हारी माँ की आदत है, उसे भी जब मैं अपने आर्म्स पे लेता हूँ तो उसे मेरी शर्ट पकड़ने की आदत है, और ये देखो यही आदत तुम में भी है। मैंने तो उसके साथ बहुत कम टाइम बिताया और सबसे ज़्यादा उसे हर्ट ही किया। मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने ही उसकी जान ले ली। काश मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं रहा था, काश मैं ये सब कुछ ऐसे ही हैंडल कर लेता, या मैं उसे बता देता। पर नहीं नहीं नहीं, मैं स्टूपिड, मैं गधा हूँ, मैं क्या करूँ, वो खुद को कर्ज करा था। और तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, युवान। वो बहुत ही स्लो वॉइस थी, बहुत क्रैकिंग वॉइस थी, बट वांगजी से सुन लेता है। वांगजी हैरान हो गया था, वो अगल बगल देखता है बट वहाँ तो उसे कोई फील नहीं होता, कोई नहीं देखता। बट उसे धीरे धीरे एक हल्की सी, बहुत बहुत माइनर सी एक स्मेल फील होती है। वांगजी तुरंत ही उठता है और कहते हैं विंग, और वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है। वो झाड़ियों को साइड करता है, पेड़ को चेक करता है, और तब थोड़ा सा किनारे एक पेड़ में उसे एक हाथ दिखता है। वो जल्दी से दौड़ कर जाता है और उस पेड़ को, उस झाड़ियों को हटाता है। वो देखता है कि वहाँ पर विंग है जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसकी जगह जगह बॉडी में जल गया है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे चोटों के निशान हैं, वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में नहीं है, उसमें के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, विंग की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये वांगजी देख रहा है, वांगजी उसे देखकर वह एकदम स्टिफ एक मिनट के लिए वहीं खड़ा हो जाता है। और तब वो धीरे 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 करके बढ़ता है, वो विंग को धीरे से अपने उसके पास घुटने पे बैठ जाता है। वो देख रहा था कि विंग अभी हाफ कॉन्शियस है और हाफ अनकॉन्शियस है, उसकी आँखें आधी खुली हैं आधी बंद है, उसे अच्छे से शायद दिख भी नहीं रहा होगा। विंग जब देखता है कि उसके पास कोई है, विंग कोशिश करता है अपनी आँखें खोलने की, तो उसकी ध्यान एक बेबी पे जाता है जो उसे ही देख के स्माइल कर रहा था। विंग स्माइल करता है और धीरे से अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है जिसमें बहुत दर्द हो रहा था, उसे उठाता है और उस बच्चे पे धीरे से उसके पास रखता है, उस हाथ को उसके पकड़ लेता है। वो कहता है युवान, और फिर वो बेहोश हो जाता है। वांगजी जब ये देखता है तो चीखते हुए कहता है विंग, और वो तुरंत ही सचिन को कॉल करता है। तुरंत ही वहाँ पर सभी लोग आते हैं, तुरंत ही वहाँ से विंग को जेट से तुरंत ही वापस शहर में लाया जाता है। और अब पूरे एक महीने बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। आज वांगजी अपने बेबी के साथ अच्छी तरीके से रेडी होकर हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़ा हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे बता दिया था कि आज उसका ओमेगा फाइनली होश में आने वाला है। एक्चुअली विंग की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वांगजी ने जब उसे यहाँ लेकर आया था, डॉक्टर्स ने उसे चेक किया और देन कहा कि उसके फॉरहेड पे बहुत ज़्यादा डीप गहरा घाव है, उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड है बहुत ज़्यादा ब्रूटली, शायद उसने किसी ने हर्ट किया है उसे। और तब वांगजी ने कहा था क्या वो ठीक है, डॉक्टर्स ने कहा देखिए फ़िलहाल तो वो कोमा में जा चुके हैं, बट ये टेम्प्रेरी है, शायद वो एक हफ्ते या एक महीने में के अंदर अंदर वो होश में आ जाएंगे। ऐसा इंसान ओमेगा तब करते हैं जब उनकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है एंड उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तो फिर वो एक डीप स्लीप टाइप प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि वो चले जाते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी को शट कर लेते हैं ताकि उनकी एनर्जी बची रहे।
हालांकि ऐसा प्रोसेस मदर्स अक्सर करती है, जैसे जो बेबीज़ को डिलीवर करने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा दिन के लिए सील कर लेती हैं ताकि उनकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सके। ये अक्सर अपने कॉमन ओमेगास में देखा जाता है। वांगजी कहते तो वो ठीक है ना, और तब डॉक्टर कहते हाँ हमें लगता है कि उन्हें जल्दी एक हफ्ते तक के अंदर होश आ जाएगा, एंड नहीं तो एक महीने में तो डेफिनेटली होश आ जाएगा। और आज ही वांगजी को फ़ोन करके बताया गया था कि विंग को ऑलरेडी होश आ चुका है एंड वो अपनी बेबी को ढूंढ रहा है, वो सिर्फ देखने की जिद कर रहा है। एक्चुअली वांगजी यहाँ इस हॉस्पिटल में तो मेरे प्यारे से अपने युवान को नहीं रख सकता था, इसीलिए उसने नानी की मदद से, मतलब शुमा और सिचन और जिंगे के भरोसे बेबी को, युवान को घर पे रखा था और वो यहाँ खुद विंग की केयर करता था। बट कल शाम को उसे पता चला था कि युवान को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है एंड वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है, उसे एक वही वॉर्म्स की ज़रूरत है उसके पेरेंट्स की। इसीलिए वांगजी कल घर गया था एंड उसने युवान को संभाला, उसे केयर किया, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की हर की ज़रूरत होती है, भले उसका ध्यान कोई भी रखे बट वो जो वॉर्म्थ उसे अपने डैड से, मॉम से मिलती है वो अलग होता है बाकी पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की हक से। इसीलिए वांगजी को युवान के पास आना ही पड़ा था और आज युवान के साथ वांगजी हैप्पीली सुबह उठा था। युवान बिल्कुल ठीक था, उसका फीवर भी उतर गया था एंड वो काफ़ी स्माइल कर रहा था। एंड देन वहाँ पर उसे कॉल आया था वांगजी को कि विंग को होश आ गया है, और ये सुनकर तो युवान की तरफ वांगजी देखता है, उसे उठा के ढेर सारी किसस करने लगता है और वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मैं अब भी आ रहा हूँ, और वो ऐसा कहकर चीखते हुए नीचे जाता है। वो सबको बताता है कि विंग को होश आ गया है, सब रेडी होने के लिए चले जाते हैं और वांगजी युवान को अच्छी तरीके से रेडी करता है। उसकी सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस उसे पहनाता है, एक क्यूट सा रैबिट का उसने कॉस्ट्यूम बेबी टॉवल में उसे लैप रैप करता है अच्छी तरीके से, और वांगजी खुद भी रेडी होता है। वो बहुत हैप्पी था और अब वो फाइनली उस डोर के सामने खड़ा था जिसके पीछे विंग है। वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस था, उसी के पीछे से चैन जी और शुमा खड़ी थी, और विंग की दो बेस्ट फ्रेंड्स लिली और रोज़ वो दोनों भी तो खड़ी थी, और काफ़ी सर्वेंट्स, मेड्स, गार्ड्स और वहाँ बहुत सारे लोग थे, बट सभी वेट करते थे कि इनके मास्टर अंदर जाए। बट यहाँ वांगजी वो तो बहुत ज़्यादा खुद को मना रहा था, खुद को हिम्मत दे रहा था, मोटिवेट कर रहा था कि नहीं वांगजी तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, बट शायद उसके लिटिल बेबी को ये मंजूर नहीं था। युवान वांगजी के चेस्ट पर हिट करता है अपने छोटे से पाम से और एक तरफ दरवाजे को अपने दूसरे हाथ से, एंड फिर वो रोने लगता है। वांगजी कहता है शू 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 चुप 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 युवान रुक क्यों रहे हो, तब पीछे अंदर से आवाज़ आती है युवान चुप हो जा बेबी, और तब अब वांगजी तो रुक नहीं सकता था, वो तुरंत डोर खोलता है और वो देखता है कि विंग बेड पे बैठा हुआ है। वांगजी जल्दी से जाता है और युवान को उसे दे देता है। विंग जब युवान को देखता है और जब युवान विंग को देखता है तो दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरीके से हक कर लेते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं। वांगजी समझ नहीं पाता कि वो दोनों रोने क्यों लगे, वो कहते युवान विंग तुम दोनों रोने क्यों लगे, हाँ कुछ नहीं मैं सब ठीक है, और तब वांगजी की तरफ दोनों ही देखते हैं आउट करते हुए, और तब दोनों ही उसे बिना बात किए एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग कहते हैं ओ बेबी तुम ठीक हो ना, और वो युवान को ढेर सारे किसेस करने लगता है, और युवान भी अपनी मामा को पाकर बहुत हैप्पी था, उससे बातें करने लगता है, उसे मानो बता रहा हो अपनी बेबी लैंग्वेज में आ ये आ वो ऐसे करके बता रहा था, और विंग बहुत हैप्पी था उसकी ऐसी बिहेव सुनकर, मानो उसने भी उसके जागने का बहुत वेट किया है। विंग उसे ढेर सारे किसेस करता है, कहते हैं हाँ बेबी मुझे पता है तुम्हारी मदर ने बहुत टाइम लगा दिया उठने में, है ना तुम कंप्लेन कर रहे हो ना, मुझे पता है कोई बात नहीं, ओके अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। हाँ वांगजी कहता है उसका बाबा भी, विंग उसकी तरफ देखता है पर अभी वो कुछ भी नहीं कहता वांगजी से, वो पीछे से चैन जिंगी और शुमा की तरफ देखते हुए कहता है आप सब यहाँ, और तब शुमा कहती है तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि मैंने, तो फिर विंग कहता है शुमा मैं कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूँ, और वैसे भी मुझे पता है मैं अपने युवान को छोड़ के नहीं जा सकता था, मेरे युवान के लिए मैं उसका सब कुछ, उसकी दुनिया हूँ, मैं उसे अपनी लाइफ नहीं दे सकता था, एक अनाथ वाली मैं उसे बिल्कुल वैसे बड़ा होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए तो मुझे वापस आना ही था शुमा, मैं कैसे खुद को हार्म कर सकता था और कैसे खुद को हार्म होने देता, मैं उसे अनाथ नहीं होने दे सकता था, अगर मैं मुझे कुछ हो जाता तो शिवान के पास तो ना मामा होती ना बाबा होते ना फैमिली होती ना कुछ होता, तो मैं कैसे इसे छोड़ता हूँ, नहीं उसकी पापा उसकी केयर करते। विंग वांगजी की तरफ देखता है बट कुछ नहीं कहता, वांगजी विंग की चुप्पी समझ रहा था,
क्योंकि अभी तक तो शायद विंग को पता भी नहीं है पूरी बात क्या है। तब सिचन जी वो भी आते हैं, विंग को हक कर लेते हैं। विंग कहता है, आप दोनों ठीक हो ना? सिचन जी कहते हैं, हाँ, पर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, हमें बताते तो। और तब विंग कहता है, आप दोनों की फैमिली हो तो मैं आप दोनों को लेकर कैसे जा सकता था? तो शुमा को लेकर क्यों गए? हाँ, और हमें क्यों नहीं? शुमा उनकी फैमिली है, बट मुझे यहाँ से निकलने के लिए तो कोई चाहिए था ना। और वैसे भी शुमा के बिना भी आप दोनों भाई उन्हें संभाल सकते थे, बट आप दोनों के बिना वो नहीं संभाल पाते ना। मुझे पता है एक फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैंने इसे सहा है, मैं जानता हूँ, और मैं आपको उनसे दूर नहीं कर सकता था। सिचन जिंगी कहते हैं, बट आप वादा करिए, अब आप हमें छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। विंग उन दोनों की तरफ देखते कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, आप कैसे बात कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ से जाना ही है ना, मैं कहीं और अपना छोटा सा घर बना लूँगा। पांग जी कहता है, नहीं। विंग पांग जी की तरफ फाइनली अब अच्छी तरीके से देखता है और कहता है, क्यों 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 नहीं मैं जा सकता? क्योंकि युवान मेरा बेटा है। विंग हंसते हुए कहता है, मुझे पता था एक ना एक दिन आपको ये लग जाएगा कि युवान आपका बेटा है। इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे ये साफ साफ मेंशन करवाया था कि डिवोर्स के बाद बेबी मेरे साथ ही रहेगा, और अगर आपने बच्चे को ले लिया मुझे तो फिर आप मेरे फ्यूनरल के लिए आप खुद रेडी करेंगे सब सामान, समझे? अब वैसे बांग जी को देख कर गुस्से में कहता है, बांग जी जिसकी आइज देख कर डर गया था, वो कहता है, विंग वो विंग कहता है, चुप, मुझे आपसे एक बात नहीं सुनी। मुझे पता चल गया कि आपने मुझे यहाँ लाया और मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे की केयर की, आपका शुक्रिया। आपके जितने पैसे बनते मैं धीरे धीरे आपको दे दूँगा, जितना भी हॉस्पिटल पर आपने खर्च किया मैं वो सब कुछ लौटा दूँगा, बट आप मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं अपने बेबी का ध्यान रख सकूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी के पैसों की। आपको अपने ओमेगा के साथ हैप्पी रहना चाहिए। वांग जी जो विंग के बिना कितनी बकवास सुन रहा था, अब वो गुस्से में चीखते हुए कहता, शराब कौन सा ओमेगा? तुम और मेरे ओमेगा और ये मेरे बेबी, और तुम दोनों मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हो। विंग वांग जी की इतनी तेज और रूड वॉइस सुनकर विंग वांग जी की तरफ देख लेते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहते हैं, विंग वो तुरंत ही उसके पास बैठता है, उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी। विंग कहते हैं, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे, आपने मुझे डांटा कैसे? वांग जी कहते हैं, आई एम सॉरी, मेरी बात सुनो पूरे। और तब विंग कहते हैं, नहीं बाहर जाइए, मुझे अभी कोई बात नहीं सुनी, समझे? आई हेट यू। और वैसे कहकर अपना फेस टर्न कर लेते हैं। वांग जी उसकी चिन से उसके चेहरे को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, इस बार बोल दियो हो दोबारा ये शब्द कभी मत निकालना कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम अलाउड नहीं हो, तुम एक ही काम करने को अलाउड हो और वो सिर्फ प्यार, तुम मुझसे सिर्फ प्यार करने को अलाउड हो एंड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, समझे? अब मेरी पूरी बात सुनो। वांग जी विंग के चेहरे को टाइटली पकड़ लेता है। विंग कहता है, ठीक है, छोड़िए मेरा चेहरा। वांग जी उसे छोड़ता है एंड देन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है अच्छी तरीके से कि कैसे उसके बारे में उसकी डेथ हुई थी, कैसे उसे पता चला था, कैसे उसने म्याम्या की सब कुछ पता लगाने के लिए उसे गर्लफ्रेंड बनाया, कैसे म्याम्या ने विंग के आने पे उसके पता लगाने के बाद सारे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा दिया, उसकी बॉडीगार्ड्स को उसके बॉडीगार्ड से मिक्स कर दिया एंड बाकी सब कुछ, अभी क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ उसने बताया। और विंग के सुनकर हैरान हो गया, वो हैरान भरे चेहरे से उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या इतना सब कुछ हो गया? वांग जी कहता है, हाँ, पर आपने मुझे नहीं बताया, क्यों? आप मुझे बता सकते थे ना? वांग जी कहता है, अगर मैं बता सकता तो मैं बता नहीं पाता, मैंने कहा ना घर में सीसीटीवी कैमरास थे एंड बॉडीगार्ड्स 24 घंटे उस पर बताते रहते थे कि आखिर क्या हो रहा है, तो मैं क्या करता? और तो फिर आपने वो सब जानबूझ के किया, आपने जानबूझ के जवान को जलाया? नहीं, मैं ड्रंक था तो आप नहीं चाहते थे। विंग, अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ रहोगे, तुम कहीं भी नहीं जा रहे। विंग कहता है, नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। पर क्यों? वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपने तो सिर्फ मजबूरी में मेरे साथ शादी की थी, आपको तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी और जो मेरे नाम था, आपने इसलिए मुझसे शादी की और मैंने आपको सब कुछ दे दिया, तो आप दोबारा मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वांग जी गुस्से में कहता है, बेवकूफ़ ओमेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, पर क्यों? वांग जी गुस्से में उसे पकड़ता है और उसे किस कर लेता है सभी के सामने, वहाँ पर बॉडीगार्ड थे, शुमा थे, सिचैन थे, जिंगी थी, सबके सामने उसे पकड़ के किस कर लेता है। और विंग इसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह रेड हो गया था, वो भी वांग जी को पुश करते हुए कहते, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ,
वांगजी के तो गधे इंसान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, मैंने तुम्हें कन्फेस किया था ना अपने ड्रंकन स्टेज में, क्या तुमने उसे बिलीव नहीं किया? पिंग कहता है, एक ड्रंक पर्सन पे बिलीव करना क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? गधे, ड्रंक होने के बाद इंसान झूठ नहीं बोलता, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? हाँ पता था, बट ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो झूठ मतलब ना बोले। ड्रंक पर्सन तो कुछ भी बोलते हैं, कैसा होमेगा, कुछ भी बोलते हैं, सच बोलते हैं। इसीलिए लोगों को ड्रंक करने के बाद पूछा जाता है ताकि वो सच बोल सके और झूठ नहीं। और तुमने उसे बिलीव नहीं किया, मैं तुम्हें कन्फेस किया था ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? हाँ आपने किया था, पर मुझे लगा ओके फाइन, मुझे लगा वाले छोड़ो एंड तुम मुझसे शादी करने वाले दोबारा। वैसे तो हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। हाँ डिवोर्स नहीं हुआ, तुमने इसे पेपर्स पे साइन किया था, मैंने उसे कोर्ट में सबमिट नहीं किया, इसीलिए कोई डिवोर्स नहीं हुआ। तुम अभी भी मेरे लीगल ओमेगा हो एंड ये बेबी मेरा है एंड तुम मुझे कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, समझे? वरना मैं तुम पे केस कर दूँगा। कैसा केस? कि तुम मुझे मेरे बेबी से दूर कर, समझे? बिंग पाउट कर लेता है और वांगजी उसके चिक्स को पिंच कर देता एकदम टाइटली। बिंग कहता आ अल्फा, वांगजी कहता है हाँ मुझे यही बुलाओगे तुम, समझे? और तुम कहीं नहीं जा रहे मुझे छोड़कर, ये बताओ तुम मेरे साथ चलने वाले हो या मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊँ? बिंग हंसते हुए कहता है क्या कोई ऑप्शन है इसके अलावा? वांगजी कहता नहीं बिल्कुल नहीं। और तब वो बाकी सब की तरफ देखते हुए कहता है आप सब यहाँ बैठ के बातें करिए, मैं इसे डिस्चार्ज करने की फॉर्मेलिटीज पूरी कराता हूँ। वांगजी की बात सुनकर जो वहाँ पर डॉक्टर खड़ी थी वो कहती है मिस्टर लैन अभी एक हफ्ता और मिस्टर लैन को मिसेस लैन को आपको यहीं रहने देना होगा ताकि हम इन्हें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकें, ये फॉर्मेलिटी है एंड ये उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक होगा। वांगजी कहते तो ठीक है। और तब वो सबसे कहता है कि आप सब बाहर जाइए, मुझे विंग के साथ बातें करना है। और वो युआन को लेकर उस ग्रैंडमा को दे देता है, ग्रैंडमा शू को। और तब शू एंड देन वांगजी कहता है कि शुमा प्लीज़ इसे संभाली ओके एंड वैसे कहकर सबको बाहर भगा देता है। और देन वो विंग को उसी के बेड में आकर उसे अपने लैप पर बैठा कर उसे पकड़ लेता है एंड देन अपने चेहरे को उसके नेक में छुपाते हुए कहता है अब बताओ। विंग कहता है क्या बताओ, तुम ऐसे इंजर्ड कैसे हो गए और वो आग कैसी लगी थी? बिंग स्माइल करते हुए कहता है क्या आप सुन पाओगे? वांगजी कहता है अब इतना सब कुछ सहने के बाद तुम्हें लगता है मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है? बिंग कहता है ठीक है। और तब बिंग कहना स्टार्ट करता है एंड अब अभी फ्लैशबैक हमारा स्टार्ट होता है जब उस दिन वो दो अल्फाज बिंग के घर में घुस चुके थे। बिंग बताता है कि कैसे वो दो अल्फाज उसके घर में घुसे थे एंड देन आगे से हमारा बात स्टार्ट होता है। वो अल्फा वो मुझे साथ फोर्स कर रहे थे बट मैंने उनके सर पर दोनों पे हिट किया बट वो दोनों बहुत पावरफुल थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस दिए एंड ये सब कुछ हुआ एंड उस समय क्योंकि मैं खाना बना रहा था तो उसमें से एक इंसान ने एक लकड़ी लाकर उस पर मुझे टच करने की कोशिश की ताकि मैं शांत हो सकूँ क्योंकि मैं उन पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था। उसने मुझे जला दिया एंड मैंने एक किक से दिया उस पर्सन को एंड उसके प्राइवेट एरिया पे सो उसने उसे फेंक दिया एक साइड में एंड वो सब में से फोर्स कर रहे थे तो उसी का स्क्रैचेस मेरी पूरी बॉडी में था, मैं उनसे फाइट कर रहा था, उन्हें मार रहा था एंड इसीलिए वो पूरी आग घर में फैल गई एंड क्योंकि वो दोनों को मैंने बहुत ज़ोर से एक पत्थर से जो घर में ही रखा हुआ था मैंने उसे हिट किया था तो वो दोनों ही भाई बेहोश हो गए थे शायद एंड मुझे नहीं पता था कि घर में आग लगी है एंड मैं वहाँ पीछे के रास्ते से निकल गया था, मैं भाग रहा था ताकि वो दोनों अल्फा अगर उठ गए तो फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती ना करे इसीलिए एंड घर में आग लग गई एंड वो दोनों अल्फा चल के मर चुके हैं। वांगजी जब ये बात कहता है तो विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है सच में? वांगजी कहता है हाँ, मैंने जब चेक कराया था तो वहाँ पर दो अल्फा की लाश मिली थी एंड वो वही जिंदा है। विंग कहता है क्या मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ? वांगजी कहता नहीं तुम क्रिमिनल नहीं बचे हो, बस जो मैं करने वाला था तुमने कर दिया। वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कि क्या मतलब? फिर वांगजी कहता है तुम्हें क्या लगता है जब ये मुझे पता चलता है कि उन दोनों अल्फा ने मेरे ओमेगा की तरफ आँख उठाकर देखा है तो क्या वो जिंदा बचते? तुमने तो उन्हें तभी बहुत आसान मौत दी है, मैं तो उन्हें ऐसी मौत देता कि वो भीख मांगते बट मैं उन्हें मारता नहीं, तुमने तो उन्हें बहुत जल्दी फ्री कर दिया, क्या कर सकते हैं ओमेगा का हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है ना। वांगजी की ये बात सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और तब वांगजी कहता है तुम्हें क्या लगता है जब मैंने अपने पेरेंट्स के मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा उन्हें टॉर्चर कर रहा हूँ तो तुम्हें लगता है मेरे ओमेगा के पेरेंट्स जिसने नज़र रखा उसे मैं सही कर दूँगा? पर आपने तो उन्हें पुलिस को दिया ना,
हाँ दुनिया के लिए मैंने उन्हें दिया है, बट अभी भी वो मेरे बहुत अच्छी सी प्राइवेट प्लेस में है जहाँ पर मैं उन्हें खुद जाके टॉर्चर करता हूँ। तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुम मिसिंग हो एंड उनकी वजह वो थी, तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से टॉर्चर किया है, यकीन मानो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा उन्हें देखकर। अल्फ़ा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर भी नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम अपने अल्फ़ा के उस साइड को देखकर डर जाओगे, और मैं नहीं चाहता मेरा ओमेगा मुझसे डरे, वांग जैसे पाउट करते हुए कहता है। वी जब वांग जी को ऐसे देखता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है, वो वांग जी को हक कर लेता है एंड देन उसके चेस्ट पर अपना सर छुपा लेता है। तब फिर वो कहता है, मैं एक बात पूछूँ? वांग जी कहता है, हाँ पूछो। वो कहता है, वांग विंग कहता है, क्या आप मुझे फिर से ये तो नहीं कहोगे ना कि आपका ड्रामा है और आप मुझे फिर से नहीं? विंग मुझे माफ़ कर, मुझे पता है ये बहुत बुरा था, मैंने जैसे तुम्हें ट्रीट किया, मैंने जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया, पहले तुम्हें यूज़ किया देन यही वो आपका प्यार था मेरे लिए, मैंने फील किया था आप ये नशे में नहीं कर रहे हो, आप होश में थे, आप मुझसे प्यार करते थे, आपने मुझे कन्फेस किया था, बट फिर आपने जैसा बिहेव किया मुझे लगा कि आप सच में सिर्फ मेरा यूज़ कर रहे हो। बेटा मैं जानता हूँ मेरा अल्फा बुरा नहीं है, हाँ उसका तरीका बस गलत है, उसे अकल नहीं है ना, अभी छोटा है इसीलिए। पिंक की ये जब बात वांगजी सुनता है तो वो पाउट करते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं छोटा हूँ? पिंक कहते हैं, हाँ आप छोटे हो। वांगजी उसके दोनों चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, ओह एक बेबी का फादर छोटा है, मुझे तो पता ही नहीं था। वांग जी ये बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, पर वो बेबी का फादर भले छोटा है बट मुझे पता है उसका फादर उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, उसे वो लाइफ नहीं देगा जो मैंने दी है, जो मैंने सही है ना। वो वांग जी की तरफ देखता है और तब वांग जी उसे प्यारा सा किस करता है, बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा सा, उसमें सिर्फ उसका प्यार था, उसका प्यार विंग के लिए था जो इतने सालों से उसने अपने मन में रखा था, वो प्यार उसके अंदर कोई लस्ट नहीं था, ना ही विंग को पाने का लस्ट, ना ही विंग को खोने का डर, उसमें सिर्फ वांग जी का प्योर लव था जो विंग के लिए उसके दिल में था, वो उसे किस करता है और उसे आई लव यू कहता है, और वो कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा, और अब मेरे लिए तुम क्यूआन से चेंजेंगी शुमा, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई भी नहीं है। और तब विंग हंसते हुए कहता है, शुयांग का और शॉशिंग का भी है? वांग जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ वो दोनों भी बस। विंग हंसते हुए कहता है, हाँ। विंग कहता है, अल्फा तो क्या मुझे शादी करोगे? कैसे फिर से? हाँ मैं चाहता हूँ कि आप हर अल्फा की तरह जैसे ओमेगा चाहती है कि उनका अल्फा आए, उन्हें पूरी दुनिया के सामने प्रपोज करे, उनका हाथ थाम कर पूरी दुनिया के सामने उन्हें से शादी करे एंड उन्हें आई लव यू कहे, क्या आप वो करोगे? मैं भी चाहता था कि मेरा अल्फा आए, मुझे प्रपोज करे, मैं उसके साथ ढेर सारी जगह घूमने जाऊँ, उसके साथ अच्छे से खाना खाऊँ, मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊँ एंड देन पूरी दुनिया के सामने वो मुझे अपना कहे, सिर्फ अपना बनाए, क्या आप ऐसा करोगे गगा प्लीज़? विंग अपने क्यूट क्यूट बनी आई से उसकी तरफ देखता है और हमारा प्यार वांग जी तो वहीं पिघल जाता है, वो उसे पकड़ के फिर से किस करता है एंड अब उसके लिप्स पर बाइट भी कर लेता है। वांग जी विंग कहता आह गग, वांग जी कहता उफ सच में तुम एक दिन मुझे मार ही डालोगे अपनी अदा से। वांग विंग कहता चुप चुप बोले, ऐसा नहीं बोलते, चुप रहिए बहुत गंदा हूँ। वांग जी हंसते हुए कहता ठीक है सर मैं तैयार हूँ, वैसे तुम मेरे साथ घर ही चलोगे, तुम्हें कहीं और रखने की मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। वांग विंग हंसते हुए कहते हैं हाँ बट हम लोग अलग अलग कमरे में ही रहेंगे, शादी जब हो जाएंगे उसके बाद। वांग जी कहता ठीक है अपनी ओमेगा के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। विंग हैप्पी हो जाता है अदब वो कहता है ठीक है तो आप बाद में जब अच्छी तरीके से प्रपोज करिए ओके और तब मैं बताऊँगा कि शादी किस दिन करनी है। वांग जी कहता ठीक है माई हाइनेस आपका जैसा ऑर्डर। विंग हैप्पी हो जाता है और तब विंग कहता है अल्फा आपने शुमा को डांटा तो नहीं ना? वांग जी हंसते हुए कहता है क्यों डांटू मैंने, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया जाने में यहाँ से। वांग जी हंसते हुए कहता है ओहो बट तो मैंने ही शुमा से कहा था कि विंग की हर एक बात मानिएगा, अगर विंग को यहाँ से भागना भी पड़े ना तो आप उसके साथ जाइएगा। हाँ इसीलिए शुमा एक बार में मान गई? हाँ बहुत बुरे हो, आपको पता था मैं जाने वाला हूँ और तब भी आपने नहीं रोका। अरे ऐसा नहीं है, ये बात तुम शुमा से पूछना ठीक है और अभी तुम मुझे ढेर सारी किसेस करो। विंग पाउट करते हुए कहते नहीं अब और किसेस नहीं, आपने पहले मुझे बाइट कर लिया, मुझे दर्द है, आप जाइए मुझे सोना है।
हाँ तुम 30 दिन से सो रहे हो, तो मैं अभी भी सोना है। विंग कहता हाँ बाहर जाइए, और वो वांग जी को किक करके वहाँ से भगा देता है। और वांग जी एक किक पपी की तरह बाहर आता है, जहाँ पर शुमार और सिचैन और जिनी युआन के साथ खेल रहे थे। और वांग जी के ऐसे एक्सप्रेशन देख कर हमारे सिचैन को कहते हैं ओह लगता है किसी ने अपने बिलव्ड पपी को किक करके भगा दिया है। और जब ये बात वांग जी सुनता है तो वो सिचैन की तरफ घूरता है, और जब सिचैन कहता है गो ऐसा मत कहिए, अब मुझे डर लगता है, आपको पता है मैं आपको प्यारे से बेबी ब्रदर हूँ। वांग जी आकर उसे कानों को पकड़ता है एंड ट्विस्ट करते हुए कहता है हाँ पता है कि कौन किसका बिलव्ड ब्रदर है। हुँ? सिचैन तुम बहुत ख़राब हो गए। और जब सिचैन हंसते हुए कहता है गो छोड़िए मेरा कान है, वांग जी कहते नहीं मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारा कान है। और तब वो कहता है सिचैन थैंक यू सो मच। सिचैन कहता है किसलिए, आपको किक करके भगा के ना भगाने के लिए नहीं, नहीं मेरा साथ देने के लिए, मुझे संभालने के लिए। एक हफ्ते में और इस एक महीने में तुमने मुझे संभाला है, वरना मुझे मेरा क्या होता मुझे तो पता ही नहीं चलता। काका मत चिंता करिए, माँ ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं आप तो संभालूंगा ही ना। और जब ये बात सिचैन कहता है तो वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता अच्छा तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी मिली है, तुम कितने बड़े हो मुझसे। सिचैन हंसते हुए कहते हैं हाँ माना कि आप मुझसे बड़े हो, बट समझदारी तो आपकी मेरी ज़्यादा है आपसे, इसीलिए तो मैं हमेशा कहती थी कि सिचैन अपने दोनों ब्रदर्स का ध्यान रखना, तुम बड़े ब्रदर जो हो। वांग जी कहते वाह वाह बहुत अच्छे गगो। और जब वांग जी ये कहता है सिचैन हंसने लगता है। और जब हमारा सीन शिफ्ट होता है, आज हमारे एक महीना बीत चुका था और आज एक बहुत ग्रैंड वेडिंग होने वाली थी। पूरी चाइना इस खबर से बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था, क्योंकि उन्हें तो वैसे भी पता था कि उनका जो बिलियनियर है मिस्टर लान है वो ऑलरेडी मैरिड है, एंड आज वो फिर से अपनी ओमेगा से ही शादी करने वाले, इसीलिए वो पूरी मीडिया हाउस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड आज फाइनली उनकी लाइफ शादी की रिचुअल्स होने वाली थी, वो रिचुअल्स जो शायद किसी ने देखी नहीं थी। एंड आज पूरी दुनिया के सामने फाइनली हमारा विंग वांग जी को एक्सेप्ट करने वाला था, हमारा वांग जी विंग को एक्सेप्ट करने वाला था। दोनों ही बहुत हैप्पी थे, एंड अभी दोनों ही अपने अपनी कमरे में रेडी हो रहे थे। सिचैन जिंगी हमारे वांग जी को रेडी कर रहे थे, और यहाँ हमारा शॉ सिचैन शुमा हमारे विंग को, और हमारा प्यारा सा शुयांग जो पूरे वेडिंग प्रिपरेशन से बहुत बिजी था, वो अपने मास्टर्स में अपने बेस्ट फ्रेंड एंड उसकी होने वाले मतलब हो चुकी ओमेगा के लिए रेडी सब कुछ करा रहा था, सब कुछ चेक कर रहा था, एंड वो फुल जिम्मेदारी लिया हुआ था। वो वांग जी को खुद अपने हाथों से लेकर आता है, हाथ पकड़ कर, एंड वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मेरे डैड हो। शुयांग कहता है हालांकि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, बट मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरफ पाला है वांग जी 21 साल तक। अच्छा भी वांग जी सुनता है तो वो उसकी तरफ ग्लेयर करता है, और शुयांग हंसते हुए ऐसे मैं देखूँ वैसे भी तुम्हारे ओमेगा अगर तुम्हें ऐसे देखती तो डर जाएगी। वांग जी कहता तुम ना, और तब वहाँ पर वांग जी जाकर स्टेज पे खड़ा हो जाता है। उसकी तरफ पूरी मीडिया हाउस का टेंशन था, क्योंकि वांग जी डैम सेक्सी लग रहा था। एक ब्लैक फुल 3-पीस टक्सीडो सूट, कातिल, फुल ऑन कातिल लग रहा था। एंड वहाँ पर कुछ ही देर बाद ब्राइड की अनाउंसमेंट होने लगती है। वांग जी देखता है कि उस हॉल का दरवाज़ा खुल गया है, एंड उसकी बिलव्ड एंजेलिक ओमेगा जो एक 3-पीस वाइट सूट पहनकर अपने हाथ में उसका बेबी एंड दूसरे हाथ में एक बहुत प्यारा सा बुके एंड उसे लेकर एक तरफ शुमा एंड दूसरी तरफ शॉन्ग सिंचन खड़े हैं। और ये देखकर तो वांग जी उसके चेहरे मतलब एक मिनट के लिए भी विंग के चेहरे से अपना दिखा हटा ही नहीं पा रहा था नज़र। वो इतना प्रिटी लग रहा था, इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, और सब विंग को भी देख रहे थे। आज पहली बार उन्होंने वांग जी के ओमेगा पार्टनर को देखा था, इसीलिए सभी हैरान होकर विंग को देख रहे थे, मुंह खोल कर देख रहे थे। इनफैक्ट वो सभी ओमेगास भी देख रहे थे कि जो अभी वांग जी को निहारने में बिजी थी, अब मुंह खोल कर हमारे विंग को देख रहे थे। वो सभी देख रहे थे कि आखिर कितना प्रीटी ओमेगा है, वो सब समझ ही नहीं पा रही थी। वो सब ने अभी तक अपनी ब्लिंक भी नहीं किया था। और वांग जी जब ये देखता है कि उसके अल्फा मीन्स उसके ओमेगा को कोई ऐसे घूर रहा है, इनफैक्ट कोई क्या सब ही उसे देख रहा है, तो वो ग्राउल करते हुए कहता है क्या कर रहे हो तुम सब। और जब वांग जी की ये डीप वॉइस पूरे हॉल में गूंजती है तो सब अपने ध्यान से उनका ध्यान विंग से हटता है, और तब वांग जी की तरफ जब देखते हैं, और तब विंग जो अभी तक अपने अल्फा को ही देख रहा था
उसके फुल एक्सप्रेशंस को देख रहा था कि कैसे वो बदल रहा है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, उसका पूरा चीक्स रेड हो जाता है। वो हंसते हुए वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी जो गुस्सा था एंड वो सभी को ग्लेयर कर रहा था एंड वो सभी भी अब विंग पर से नज़र हटा चुके थे क्योंकि उन्हें इस अल्फा के हाथों से मरना नहीं था एंड इसीलिए अब उन सब का फोकस उनकी शादी की तरफ था। वांग जी जो भी ग्लेयर कर रहा था गुस्से में था। विंग जब उसके सामने स्टेज के सामने खड़ा हो जाता है तो वो प्यार से कहता है अल्फा, और वो ऐसा कहता है। वांग जी तुरंत ही विंग के ऊपर फोकस करता है और वो नीचे स्टेज के आता है। वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है। विंग ने अपने युवान को अभी शुमा को दे दिया था संभालने को एंड वो स्टेज पे जा चुका था। उसने उस बुके को वांग जी को दिया एंड वांग जी ने उसे साइड किया। उन दोनों ने अपनी रिचुअल्स पूरी की, वाउज लिए, किस किया एंड उस शादी को सील किया एंड देन युवान को लेकर उसे भी अपने उस किस पे शामिल किया। उस दोनों ने एक एक चीक्स पर युवान के किस किया एंड एक प्यारे से फोटो के साथ शादी को ख़त्म किया एंड अभी वो सभी बहुत हैप्पी थे। वो दोनों ही बहुत हैप्पी थे। और अब अभी हमें यहाँ हमारी वांग जी की मन की बात दिखाई जाती है कि आखिर वांग जी सोच क्या रहा है। वांग जी युवान को विंग को देख रहा था कि वो दोनों बहुत हैप्पी है। युवान भी खिलखिला के हंस रहा था, मानो वो भी हैप्पी हो अपने पेरेंट्स की शादी को देखकर। आखिर वो इतना लकी बेबी है कि अपने पेरेंट्स की शादी को देख रहा है। वांग जी हैप्पी था। वो हंसते हुए कहता है मॉम डैड मैंने आपका सपना पूरा किया, मैंने वो वादा पूरा किया जो आपने अंकल बेचान से आंटी कांसे सरन से लिया था। मैंने वादा पूरा किया और अब मैं फाइनली विंग को पूरे राइट के साथ उस लैंड हाउस को उसे दूंगा, उसके सारे राइट्स उसे मिलेंगे और अब जो भी मेरा है मैं सब उसे दूंगा, अपनी बेबी को दूंगा। मैं हर वो चीज़ मैं उनकी दोनों की बहुत केयर करूँगा। मुझे पता था कि आप हमेशा से विंग को मेरी ओमेगा देखना चाहते थे और आज मैंने फाइनली ये कर दिया है। हालाँकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इतनी सारी गलतियाँ कि विंग को मुझे माफ़ करना भी नहीं चाहिए था, पर उसने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैंने उसके साथ क्या किया। वो तो इसी में हैप्पी था कि मैंने क्यों ये किया। उसने ये बिल्कुल भी शिकायत नहीं की कि आखिर अल्फा आपने ऐसा क्यों किया, आप सब कुछ छोड़ सकते थे पर आप उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे खुशी है मेरे डिसीजन पे और मेरी बेबी के मदर पर, मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है। मॉम डैड मैं अगर आपसे मिलूँगा ना तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मैंने आपकी विश पूरी नहीं की, मैंने आपकी विश पूरी की है। अब इस प्रीशियस ट्रेजर को, इन दोनों ही को मैं संभाल कर रखूँगा अपनी पूरी लाइफ, अपनी आखिरी ब्रेथ तक मैं इन दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। इनके चेहरे की जो स्माइल है ना मैं हमेशा ऐसे ही रखूँगा। मैं इन दोनों को कभी हर्ट नहीं होने दूँगा और कोई भी लैंड के रहते वांग जी के रहते उसकी खुशियान की तरफ आपको ठाक नहीं दे सकता। और वो अपने मॉम डैड से प्रॉमिस करता है, खुद से प्रॉमिस करता है। एंड अब हमें वांग जी की मन की बात तो सुनाई दे चुकी है एंड अब हम विंग की तरफ देखते हैं आखिर विंग अपने मन में क्या सोच रहा है। विंग हैप्पीली वांग जी की तरफ देखता है, अपने प्यारे से बेबी युवान की तरफ देखता है और वो कहता है मॉम डैड मैंने फाइनली एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया है जो सिर्फ मेरे लिए बना है, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं माइंड शब्द का टैग लगा सकता हूँ, जो सिर्फ मेरा है, उसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। हाँ मेरा बेबी के साथ मैं कर सकता हूँ बट अब वो सिर्फ मेरा है, उसके ऊपर सिर्फ मेरा राइट चलेगा। पता है मैंने कि मॉमडेड उसने बहुत सारी गलतियाँ की, वो बहुत स्टूपिड है, बहुत गधा है बट वो बहुत केयरिंग है। उसने ये सब कुछ अपने मॉम डैड के लिए किया इसलिए मुझे कोई गिला नहीं है उससे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने मॉम डैड को इंसाफ दिलाना चाहता था और ये ड्यूटी है एक अल्फा बेटे होने के लिए, सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से ये उसकी ड्यूटी थी उसके मॉम डैड को इंसाफ दिलाना, और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। माना कि उसने मुझे बहुत हर्ट किया है, बेबी को हर्ट किया है, बट मैं सच में मैं उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। इनफैक्ट तो मैं खुश हूँ कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने लव को, अपनी अफेक्शन को सब कुछ अच्छी तरीके से दिखाता है, शो करता है। पता है वो बहुत एडोरेबल है। पता है मम्मा डैड वो जब ड्रिंक करता है ना तो क्यूट बेबी की तरह हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरा युवान भी उससे ज़्यादा समझदार होता है वो बहुत क्यूट है मॉम डैड। मुझे पता है कि अब आप दोनों बहुत हैप्पी होंगे क्योंकि आपके फाइनली आपके इस पुत्र से ओमेगा बेबी को कोई मिल चुका है जिसका ध्यान रखेगा और हमेशा रखेगा। मुझे पता है लंजा के रहते मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी आँखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। जितना भी मुझे टॉर्चर सहना था मैडम यू और यंग फैमिली अंकल के पास रह के मैंने सीख सह लिया है और अब मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है।
अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं बस अपने परिवार के साथ हैप्पी रहना चाहता हूँ। मैं मम डैड अंकल आंटी वो आंटी और अब से अंकल अंकल चिरन और आंटी मैं आप दोनों से भी वादा करता हूँ कि मैं आपके दोनों और बच्चों को चिंगी और सिचन गगू उन दोनों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं एक गुड ओमेगा सन इन लॉ बनूँगा। मैं बहुत अच्छे से आपकी पूरी फैमिली को संभाल कर रखूँगा। मैं उन्हें भी कभी हर्ट नहीं होने दूँगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके सिचन गगू सिचन बीबी की जो ओमेगा है जो थोड़ी सी उनसे बड़ी हैं शायद उनके भाई से भी उन सबकी शादी तो मैं करवा के रहूँगा। भले अलवा चाहे कितना भी टिक टिक करे पर उनकी शादी तो मैं करा के रखना। वैसे भी मुझे पता है कि चिचन का कभी बहुत अच्छे हैं और जैसे आपका बड़ा बेटा है वो वांगची की तरफ दिखता है और कहता है मैं सच में इनसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। और वैसे कहकर वांगची की तरफ देखता है वांगची भी उसकी तरफ देख रहा था। बीन कहता है आई लव यू अल्फा और वांगजी उसे कहता है आई लव यू टू माई लिटिल ओमेगा। बिंग स्माइल करता है और वांगजी भी स्माइल करते हैं एंड वहाँ पूरी फैमिली बहुत हैप्पी थी। और इसी हैप्पी से क्यूट से प्यारे से एंडिंग के साथ ये FFVA ही ख़त्म होता है। एंड गाइस ओहो बहुत टाइम हो गया एंड बहुत लंबा पार्ट हो गया है ना। सो कैसे लगा आपको ये मेरा गिफ्ट एंड आई होप कि आप लोग बहुत हैप्पी होंगे सेटिस्फाई होंगे। माना कि ये स्टोरी मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी पार्ट्स लंबे लंबे बना बना के बट आई होप कि आप लोग इसे ज़्यादा दिक्कत ना हो एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा स्टोरी लगा। एंड हाँ अगर आपके पास नेक्स्ट स्टोरी को लेकर कोई सजेशन है कोई भी अगर आपको मतलब चाहिए कि आपको ऐसा स्टोरी सुनना है तो आप प्लीज़ उसे मुझे बताइएगा उसका। हाँ थोड़ा सा स्टोरी लाइन आप मुझे बता सकते हैं तो मैं उस हिसाब से आपके लिए स्टोरी बना दूँगी। ओके एंड अब नेक्स्ट मैं एक शांगविंग FF लेकर आऊँगी जो माई वॉर प्राइज का season 2 है। तो आई होप कि आप लोग उसे भी सपोर्ट करेंगे एंड उसे भी प्यार देंगे। और हाँ नया वांगक्शियन FF के लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कैसा स्टोरी चाहिए। ओके एंड इस स्टोरी पे मुझे प्लीज़ बताएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी एंड इस पर ढेर सारे भर भर के कमेंट्स करेगा। एंड हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे प्यारे से मिस्टर वांग ईवो को ढेर सारी बड़े विशेस करिएगा। ओके एंड उसे बहुत सारा सपोर्ट करेगा। आई होप कि आप लोग इसे मानेंगे सुनेंगे। एंड तो चलिए आज के लिए बस इतना है। अपने ऑथर को अलविदा दीजिए एंड हम फिर से कोई नई सी फंक्शन FF के साथ मिलेंगे। एंड तब तक के लिए सी यू टाटा केयर बाय बाय एंड टेक केयर लव यू गाइस बाय।